हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकिफा बुटीक। आज मैं आपको बताऊंगी कॉल स्लीव्स डिज़ाइन, आप इसे पफ स्लीव्स भी बोल सकते हैं, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर का नेट फैब्रिक लिया है। मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करके फैब्रिक को पहले से ही रख लिया है। ये है ओपन साइड और ये है बंद साइड। सबसे पहले हम आस्तीन की लंबाई लेंगे। आस्तीन की लंबाई है यहाँ पे 22 इंच, तो हम 22 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे एक्स्ट्रा। और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हम नॉर्मल आस्तीन की जैसे मार्किंग करते हैं, सेम हमें वैसे ही करना है। चेस्ट था 36, 36 का 1/4 9, तो ये 9 इंच पे मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ ओपन साइड से हम 3 इंच ऐसे डाउन कर लेंगे और एक राउंड शेप बना लेंगे। मैंने यहाँ पे एक राउंड शेप बना लिया है। अब नीचे ओपन साइड से हम रखेंगे 4 इंच, क्योंकि बॉटम की फिटिंग थी 4 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हो जाएगा 5 इंच, और शेप पट्टी से एक शेप बना लेंगे। नॉर्मल आस्तीन की मार्किंग यहाँ पे हो चुकी है। राउंड साइड से हम 14 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ से हम लेंगे तकरीबन 1.5 इंच और यहाँ पे एक राउंड शेप बना लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग हमें कुछ इस तरीके से करनी है, तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। मैंने आस्तीन को बीचों बीच ऐसे फोल्ड कर लिया है और एक कट लगा लिया है। अब हम शोल्डर को ऐसे ओपन सीधा करके रखेंगे और इसको भी ऐसे ओपन करके उल्टा साइड रखते हुए ऐसे प्लेट्स बनाते जाएंगे। प्लेट्स डालते वक्त ये हमें अपने साइड ही ऐसे फोल्ड करना है, तो मैं आपको सिल के बताती हूँ। मैंने यहाँ तक प्लेट्स बना ली है। अब हम आर्मोल को और आस्तीन को ऐसे नापेंगे। दोनों अगर बराबर है तो ठीक है, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है तो एक प्लेट्स हम और ऐसे डाल देंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो एक सीधी सिलाई कर लेंगे। एक साइड की प्लेट्स बन चुकी है, अब इसको हम इस साइड रखेंगे। इस साइड हम रखते हुए इसको भी हम अपनी तरफ से प्लेट्स बनाते जाएंगे, तो मैं आपको सिल के बताती हूँ। दोनों साइड की प्लेट्स रेडी हो चुकी है। अब हम बॉटम पे जैसे नॉर्मली सिलाई करते हैं 1/2 इंच फोल्ड करके वैसे सिलाई कर लूँगी। बॉटम की सिलाई हो गई है। अब मैं इसको फिटिंग करके फाइनल लुक दिखाऊंगी। फिटिंग यहाँ पे हो चुकी है, फाइनल लुक इसका आप देख सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।